हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पॉट सक्सेस। दिस इज़ आर डेली करंट अफेयर सेगमेंट और आज की डेट है 22 फरवरी। चलिए हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन फ्रेंड्स हमारा तिलहन मिशन से रिलेटेड है। आपको बताना है कि तिलहन मिशन किससे रिलेट करता है? न्यूट्रिशन ऑफ चिल्ड्रन, ऑयल सीड प्रोडक्शन, सुपर कंप्यूटर्स, डी नन। आप इमेज देखकर समझ ही गए होंगे, इसका आंसर है बी, ऑयल सीड प्रोडक्शन। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने ऐसा अनाउंस किया है कि तिलहन मिशन को गवर्नमेंट लॉन्च करेगी, जिससे कि कंट्री को सेल्फ रिलायंट बनाया जा सके ऑयल सीड प्रोडक्शन में। अगर हम डाटा देखें फ्रेंड्स 2019-20 का, तो जो ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन था वो एवरेज से 4.54 मिलियन टन ज़्यादा ही था। क्वेश्चन नंबर टू है फ्रेंड्स, फर्स्ट एवर भारत बंगला पर्यटन उत्सव टूरिज्म फेस्टिवल इज बीइंग हेल्ड इन। जो भारत बंगला टूरिज्म फेस्टिवल है वो कहाँ पर हो रहा है और यह फर्स्ट एडिशन है? कोलकाता, त्रिपुरा, अगरतला, नन। इसका आंसर है फ्रेंड्स बी, त्रिपुरा। आप इमेज देख लीजिए, यह लोगो है फर्स्ट एवर भारत बंगला पर्यटन उत्सव का। फर्स्ट एवर भारत बंगला जो पर्यटन उत्सव है या टूरिज्म फेस्टिवल है वो अगरतला में ऑर्गेनाइज किया गया, जो कि त्रिपुरा की कैपिटल है। इस फेस्टिवल को त्रिपुरा स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज किया। जो 1971 का बांग्लादेशी लिबरेशन बार था उसमें त्रिपुरा का कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए इस पर्यटन फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया या टूरिज्म फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया। और एम यह भी था कि त्रिपुरा का जो टूरिज्म सेक्टर है उसको एक बूस्ट मिले। तो हमने फर्स्ट भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव के बारे में पढ़ा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है फ्रेंड्स, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2020 वॉज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द ग्लोब ऑन। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया गया? 22 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी, नन। इसका आंसर है फ्रेंड सी, 21 फरवरी। आप इमेज में भी देख सकते हैं जो इस बार की थीम थी वो थी लैंग्वेज विदाउट बॉर्डर्स। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी को मनाया गया, जो इस साल की थीम थी वो थी लैंग्वेजेस विदाउट बॉर्डर। यह फ्रेंड्स एवरी ईयर मनाया जाता है सिंस 2000। एम होता है कि जो भी लिंग्विस्टिक और कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको प्रमोट किया जाए। क्वेश्चन नंबर फोर है, विद रेफरेंस टू 22nd एडिशन ऑफ एथनोलॉग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एथनोलॉग का मतलब होता है फ्रेंड्स लैंग्वेजेस ऑफ वर्ल्ड। जो भी लैंग्वेजेस ऑफ वर्ल्ड का डाटाबेस होता है उसको एथनोलॉग बोला जाता है। जैसे कि कैटलॉग होता है, उसी प्रकार के जो लैंग्वेजेस ऑफ वर्ल्ड का डाटाबेस होता है उसको एथनोलॉग बोलते हैं। तो 22nd एडिशन ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेज डाटाबेस एथनोलॉग वॉज रिलीज्ड ऑन द ओकेजन ऑफ मदर लैंग्वेज डे। मदर लैंग्वेज डे जो कि फरवरी 21 को मनाया जाता है, हमने देखा उस पर वर्ल्ड लैंग्वेज डाटाबेस को रिलीज किया गया। इसमें ऐसा बताया गया, पॉइंट सेकेंड है कि स्पेनिश इज़ द थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड विद 615 मिलियन स्पीकर आफ्टर इंग्लिश एंड मैंडरिन। स्पेनिश थर्ड नंबर पर है फ्रेंड्स इंग्लिश और मैंडरिन के बाद। तो इसका आंसर बताना है आपको कौन सा सही है। इसका आंसर फ्रेंड्स ए, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। जो 22nd एडिशन है एथनोलॉग का वो मदर लैंग्वेज डे के दिन रिलीज किया गया। की फाइंडिंग्स देख लेते हैं हम फ्रेंड्स। हिंदी इज़ द थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज, तो हमारा ऑप्शन टू गलत हो जाता है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसको सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं तीसरे नंबर पर, नियरली 650 मिलियन स्पीकर्स हैं इंग्लिश और मैंडरिन के बाद। इंग्लिश टॉप पर है फ्रेंड्स, नियरली 1132 मिलियन स्पीकर्स हैं। और चाइनीज़ की जो मैंडरिन लैंग्वेज है वो सेकेंड पोजिशन है, उसको लगभग 1117 मिलियन स्पीकर्स बोलते हैं। इंडिया की एक और लैंग्वेज फ्रेंड टॉप 10 में है बंगला, जो कि सेवन्थ है लिस्ट में। इस 22nd एडिशन में फ्रेंड्स ये भी रिकॉग्नाइज किया गया कि वर्ल्ड 7111 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, और इनमें ऐसी लैंग्वेजेस को भी इंक्लूड किया गया जो कि अब एक्सटेंट हो चुकी हैं। नियरली 348 लैंग्वेजेस ऐसी थी जो इस लिस्ट में इंक्लूड करी गई। एथनोलॉग लैंग्वेजेज ऑफ वर्ल्ड होती हैं फ्रेंड्स, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इस लॉग में हमको पता चलता है कि इस डाटाबेस में हमको पता चलता है कि वर्ल्ड में कितनी लिविंग लैंग्वेजेस हैं। इसको पहली बार 1951 में इशू किया गया था और इसको एनुअली पब्लिश करता है SIL इंटरनेशनल, जो कि एक US बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है।
तो एथनोलॉग क्या है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। लैंग्वेजेज ऑफ वर्ल्ड का एक डाटाबेस है, हिंदी थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में, ये भी आपको याद रखना है। ये लिस्ट देख लीजिए फ्रेंड्स, ग्राफ देख लीजिए, इंग्लिश सबसे ज़्यादा बोली जाती है, मैंडेरिन है जो चाइनीज़ की वो सेकंड नंबर पर है, फिर हिंदी है जो थर्ड नंबर पर है, स्पेनिश फोर्थ नंबर पर, थर्ड नंबर पर नहीं है, फ्रेंच फिफ्थ नंबर पर है। टॉप टेन में आप देख सकते हैं बांग्ला भी है सेवन्थ नंबर पर। अगर इंडिया की स्पेसिफिकली बात करें हम फ्रेंड्स, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, उसके बाद बंगाली बोली जाती है, फिर मराठी और फिर तेलुगू। यह फ्रेंड्स 2011 में जो सेंसस हुआ था उसका डाटा है। अभी जो सेंसस कंडक्ट किया जाएगा तो आपको अपडेट करना पड़ेगा कि कौन सी लैंग्वेज अब ज़्यादा बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर फाइव है फ्रेंड्स, विद रिस्पेक्ट टू रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड फंड ऑन प्लास्टिक पैकेजिंग पोल्यूशन। वर्ल्ड वाइड फंड ने एक रिपोर्ट निकाली है प्लास्टिक पैकेजिंग पे, उससे क्या पॉल्यूशन होता है उसके रिस्पेक्ट में इस रिपोर्ट को निकाला गया है, तो आपको बताना है। ग्लोबली 36% ऑफ प्लास्टिक यूसेज इज फॉर पैकेजिंग, जो 36% प्लास्टिक का यूज है वो पैकेजिंग के लिए काम आता है, और ओवर अ थर्ड ऑफ इट्स लैंड अप इनटू द एनवायरनमेंट, और 33% नियरली एनवायरनमेंट में डिस्पर्स हो जाती है यह प्लास्टिक। सेकंड पॉइंट है, ऑफ द सिक्स कंट्रीज एनालाइज्ड इन द रिपोर्ट, मलेशिया पर कैपिटा प्लास्टिक पैकेजिंग कंजम्पशन इज हाईएस्ट। इस लिस्ट में फ्रेंड्स सिक्स कंट्री को एनालाइज किया गया और उसमें मलेशिया का सबसे ज़्यादा पर कैपिटा कंजप्शन है अगर हम पैकेजिंग प्लास्टिक का देखें, तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर है फ्रेंड्स सी, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। एक न्यू रिपोर्ट निकाली गई वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा जिसने एनालाइज किया कि जो भी पैकेजिंग प्लास्टिक है वो कितने कंट्रीज में यूज़ की जाती हैं, तो मेनली सिक्स कंट्रीज को इन्होंने इस इंडेक्स में एनालाइज किया है, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड एंड वियतनाम। तो एशियन इकोनॉमीज को इंक्लूड किया गया है, तो आपको यह फैक्ट भी याद रखना है कि कौन कौन सी छह कंट्रीज को एनालाइज किया गया है, तो एशियन इकोनॉमीज हैं, इंडिया इसमें नहीं है फ्रेंड्स, तो चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड एंड वियतनाम। अगर हम की फाइंडिंग देखें तो सिंगल यूज प्लास्टिक होती हैं, जैसे कि आप रेलवे स्टेशन पर बोतल खरीदते हैं और उसको एक बार यूज़ कर फेंक देते हैं, ऐसे ही अगर हम लेस खरीदते हैं तो भी हम यूज़ कर फेंक देते हैं, तो यह सिंगल यूज प्लास्टिक की कैटेगरी में आती हैं फ्रेंड्स। यह सिंगल यूज प्लास्टिक पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबल होता है प्लास्टिक पॉल्यूशन के लिए। अगर हम ग्लोबली देखें तो 36% जो प्लास्टिक यूज होती है पैकेजिंग के लिए, उसमें से 33% तो एनवायरनमेंट में ही डिस्पर्स हो जाती है, और सिक्स कंट्रीज़ में अगर हम देखें तो मलेशिया का पर कैपिटा कंजप्शन प्रिंट सबसे ज़्यादा है। हर एक आदमी एनुअल कंजप्शन अगर देखें तो लगभग 17 किलोग्राम प्लास्टिक यूज़ करता है पैकेजिंग प्लास्टिक मलेशिया में, तो मलेशिया का हाईएस्ट है। चाइना का अगर हम देखें फ्रेंड्स तो हाउस होल्ड पैकेजिंग कंजप्शन हाईएस्ट है, और 60% ऑफ मैरिन प्लास्टिक पॉल्यूशन जो होता है वो इन्हीं कंट्रीज़ की वजह से होता है फ्रेंड्स। और अगर हम ग्लोबली देखें तो नियरली 8 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक ओशियन में हर साल पहुंच जाती है प्लास्टिक पॉल्यूशन की वजह से, तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा प्लास्टिक पॉल्यूशन है। ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है फ्रेंड्स कि 2010 और 2050 के बीच में 300% तक बढ़ जाएगी प्लास्टिक पैकेजिंग, तो पॉपुलेशन की डिमांड की वजह से 300% तक इस प्लास्टिक पैकेजिंग की प्रॉब्लम होने वाली है, बढ़ जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि एनवायरमेंट में अभी 8 मिलियन टन प्लास्टिक ओशियन में डिस्पर्स होती है, जब इतना बढ़ जाएगी 2050 तक तो क्या होने वाला है। इसलिए आपको ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए जो बायोडिग्रेडेबल हो। क्वेश्चन नंबर सिक्स है फ्रेंड्स, विद रिफ्रेक्स टू अपेंडिक्स वन ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज। फ्रेंड्स यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेफिनेटली इससे क्वेश्चन आने वाले हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आने वाले कुछ एग्ज़ाम में ही पूछे जाएं, यह इस टॉपिक से प्रश्न आपसे आने वाले दो साल के में जो एग्ज़ाम होने उन तब भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस टॉपिक को हम डिटेल से कवर करेंगे। मैंने इस पर एक्सक्लूसिवली एक प्रीलिम बूस्टर प्लेलिस्ट में एक वीडियो भी बनाई है, उसमें भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम इसको सॉल्व करते हैं। विद रेफरेंस टू अपेंडिक्स वन ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, जो यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन हुआ है माइग्रेटरी स्पीसीज में अभी गुजरात के गांधीनगर में, तो आपको उसके रिस्पेक्ट में बताना है। जो अपेंडिक्स वन है वो लिस्ट करती है माइग्रेटरी स्पीसीज को जो एंडेंजर्ड है। सेकंड पॉइंट है, इंडिया ने एक प्रपोजल रखा था फ्रेंड्स ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एशियन एलिफेंट और बंगाल फ्लोरिकन को अपेंडिक्स वन में इंक्लूड करने के लिए, तो उसका जो प्रपोजल है फ्रेंड्स वो एक्सेप्ट किया गया जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑर्गेनाइज की जा रही है गांधीनगर में उधर, तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर है फ्रेंड्स सी, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट।
आप इमेज में देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये एशियन एलिफेंट है। इंडिया का जो प्रपोजल था फ्रेंड्स, जो तीन स्पीसीज को इंक्लूड किया गया, आप नाम देख सकते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एशियन एलिफेंट और बंगाल फ्लोरिकन। तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको याद ही रखना है कि कौन सी तीन स्पीसीज इंक्लूड की गई हैं अपेंडिक्स वन में। और आपको यह भी याद रखना है कि कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज में दो अपेंडिक्स होती हैं, वो हम अभी देखेंगे। एशियन एलिफेंट के बारे में हम जान लेते हैं। गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि एशियन एलिफेंट अब एक नेशनल हेरिटेज एनिमल है, तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है। इसका साइंटिफिक नेम भी आप देख लीजिए फ्रेंड्स, एलिफास मैक्सिमस इंडिकस, एलिफास मैक्सिमस इंडिकस। तो यह एक नेशनल हेरिटेज एनिमल बन चुका है, तो यह भी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन एलिफेंट की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो इसको हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि इसको शेड्यूल वन में रखा गया है बंगाल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। अगर हम चैलेंजेस देखें एशियन एलिफेंट को, तो चैलेंजेस इसमें आते हैं जैसे कि हैबिटेट लॉस होता है, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है इसके हैबिटेट का, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ रहा है। फ्रेंड्स, आपने अभी रिपोर्ट देखी होगी, एलिफेंट की जो सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है वो नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा एलिफेंट डेथ रिकॉर्ड की गई है। पोचिंग भी फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा होती है, टूथ की वजह से, इनके दांतों की वजह से इनकी पोचिंग सबसे ज़्यादा होती है, और इलीगल ट्रेड भी होता है एलिफेंट्स में। तो एलिफेंट्स को अब नेशनल हेरिटेज एनिमल घोषित कर दिया गया है। आप इमेज देख सकते हैं फ्रेंड्स एशियन एलिफेंट की। जो सेकेंड स्पीसीज इंक्लूड की गई है अपेंडिक्स वन में कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज की, वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का IUCN स्टेटस आपको याद ही रखना है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है फ्रेंड्स, यह क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इसकी पॉपुलेशन अगर हम देखें तो सिर्फ 100 टू 150 इंडिविजुअल ही बचे हैं। और थार डेजर्ट है जो राजस्थान में, वहाँ इसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होस्ट की जाती है, इसलिए राजस्थान का स्टेट एनिमल भी है। स्पीसीज की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो यह 90% तक डिक्रीज हो चुकी है 50 साल के अंदर अंदर। आप इस देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 था, इसका जो लोगो था फ्रेंड्स वो गिबली द ग्रेट, यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का लोगो ही था। यह कोलम आर्ट है फ्रेंड्स, जो एक साउथ इंडियन की आर्ट है। आप लोगों में तीन चीज़ भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक व्हेल, एक टर्टल और एक फ्लोरिकन। तो आप यह देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो इस बार का लोगो क्या था ये भी आपको याद रखना है, कौन कौन से स्पीसीज भी लोगो में है ये भी याद रखना है, और कौन सी आर्ट से बनाई गई है, कोलम आर्ट जो कि साउथ इंडिया की एक आर्ट है, उससे इस लोगो को बनाया गया है। तीसरी स्पीसीज जो इंक्लूड की गई है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज की लिस्ट में अपेंडिक्स वन में, वो है बंगाल फ्लोरिकन। बंगाल फ्लोरिकन भी एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है फ्रेंड्स, आपको यह याद रखना है। इसका जो फ्रेंड्स, सिंस यह एक माइग्रेटरी बर्ड है फ्रेंड्स, तो सबसे ज़्यादा इसको जो थ्रेट होता है वो लैंड यूज चेंजेस से होता है। इसका कोलिजन भी हो जाता है पावर ट्रांसमिशन लाइन से, जो कि बाउंड्रीज पर है इंडिया और नेपाल की। एज ए रिजल्ट फ्रेंड्स, इसका जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो चुकी है, और यह प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर बहुत ही कम पाई जाती है। असम में फ्यू एरियाज में इसको देखा जा सकता है, सबसे ज़्यादा वैसे यह प्रोटेक्टेड एरिया में ही पाई जाती है। तो बंगाल फ्लोरिकन, एशियन एलिफेंट और गिबली, जिसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है, यह तीन स्पीसीज अपेंडिक्स वन में इंक्लूड करी गई हैं। इमेज देख लीजिए आप फ्रेंड्स बंगाल फ्लोरिकन की। कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज के बारे में भी हम जान लेते हैं। इसको बॉन कन्वेंशन भी बोला जाता है फ्रेंड्स। बॉन जर्मनी में एक प्लेस है फ्रेंड्स, 1979 में इसको वहाँ पर इस कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया था, इसलिए इसको बॉन कन्वेंशन भी बोला जाता है, आपको यह याद रखना है। स्पीसीज जो कवर्ड होती हैं इसमें मैमल्स होते हैं, बर्ड्स होती हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, फिश होती हैं और इंसेक्ट। दो अपेंडिक्स होते हैं हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एक अपेंडिक्स में माइग्रेटरी स्पीसीज होती हैं जो कि एंडेंजर्ड हैं फ्रेंड्स। तो माइग्रेटरी स्पीसीज आपको याद रखना है, अपेंडिक्स वर्ड में ऐसी स्पीसीज होती हैं जो माइग्रेटरी होती हैं और एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती हैं। अपेंडिक्स टू में फ्रेंड्स ऐसी स्पीसीज होती हैं जिनको कंजर्वेशन की ज़रूरत है और वो थ्रेटन की स्पीसीज में ना आ सकें, तो ऐसा उनको रोकने के लिए अपेंडिक्स टू में डाला गया है। तो आपको याद रखना है दो अपेंडिक्स हैं, अपेंडिक्स वन और अपेंडिक्स टू। इंडिया की तीन स्पीसीज को अपेंडिक्स वन में इंक्लूड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, व्हाट इज तिरुमथी काट सीन इन न्यूज। तिरुमथी काट क्या है जो न्यूज में देखा गया, मोबाइल ऐप फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप, हैंडीक्राफ्ट मेला, केरला आर्ट, नन। इसका आंसर है फ्रेंड्स ए, मोबाइल ऐप फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप। आप देख सकते हैं इमेज में थ्रू मथी कार्ट है, वो एक मोबाइल ऐप है सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए। इस ग्रुप को NIT तमिलनाडु और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मिलकर बनाया है। यह ऐप
सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रोडक्ट को शोकेस करेगी ताकि वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ भी काम हो सके और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड किया जा सके। आज की हम फैक्ट फाइल देख लेते हैं फ्रेंड्स। आज की फैक्ट फाइल जो प्लेसेस इन न्यूज़ थी उनको हम कवर कर लेंगे क्योंकि आज एक ट्रेंड देखा गया है एग्ज़ाम में कि जो भी प्लेसेस इन न्यूज़ होती हैं तो सीधे प्लेस का नाम दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है यह कहाँ पर है, इसलिए हम ये थोड़े टॉपिक को कवर करते हैं। कुंडूज सिटी फ्रेंड्स अफगानिस्तान में है। न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि तालिबान फाइटर्स ने इस सिटी को अभी अटैक कर दिया था जो कि अफगानिस्तान में है। काला पानी उत्तराखंड का पार्ट है। अगर हम इंडिया का पॉलिटिकल मैप देखें तो काला पानी उत्तराखंड का पार्ट है। यह प्रोटेस्ट किया जाता है नेपाल के द्वारा कि यह उसका भी पार्ट है। दानाकिल डिप्रेशन की अगर हम बात करें तो यह इथोपिया में है। रिसर्चर्स ने ऐसा डिक्लेयर किया है कि यहाँ पर कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन अभी ऐसा रिपोर्ट भी आई थी कि इसमें एक्सट्रीमोफाइल नाम के बैक्टीरिया एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो आपको यह याद रखना है कि दानाकिल डिप्रेशन इथोपिया में है। आप इमेज में देख सकते हैं फ्रेंड्स, इथोपिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट भी है। तो दानाकिल डिप्रेशन आप ऊपर देख सकते हैं, नॉर्थ की साइड है। इथोपिया की जो कैपिटल है वो अदिस अबाबा है। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है वो है तुम्माला पाले। तुम्माला पाले फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश में है। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यहाँ पर एक यूरेनियम प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट है, उसकी वजह से ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ऐसा ऑर्डर किया है कि जो भी कंप्लेन है ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन की तो उस पर इंक्वायरी करी जाए। तो तुम्मापाले आंध्र प्रदेश में है। जो नेक्स्ट है हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, दियोचा पश्चिमी देवनगंज हरिन सिंघा। दियोचा पश्चिमी देवनगंज हरिन सिंघा फ्रेंड्स यह है सेकेंड लार्जेस्ट कोल्ड माइन है पूरे वर्ल्ड में। सेकेंड लार्जेस्ट कोल्ड माइन है पूरे वर्ल्ड में, यह है वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है फ्रेंड्स। तो आपको यह याद रखना है, कॉन्टेक्स्ट यही था कि गवर्नमेंट ने अभी इस जो कोल्ड माइन है वो वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को दे दिया है, एलोकेट कर दिया है। तो आपको याद रखना है दियोचा पश्चिमी देवनगंज हरिन सिंघा। तो आपसे डेफिनेटली यह पूछा जा सकता है। जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है सिरसी रिवर ब्रिज। सिरसी रिवर ब्रिज फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश में। डिफेंस मिनिस्टर ने अभी इस ब्रिज को और इनॉग्रेट किया था। तो हमारा डिस्कशन यहाँ पर समाप्त होता है फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।